स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोहित कश्यप सर्प मित्र में। आज का रेस्क्यू कॉल गोरखपुर जिला के अंतर्गत पड़ौली ग्राम सभा के पास में है। ये भैया जो दिख रहे हैं इन्हीं के फर्नीचर की शॉप है, यहीं पे कहीं सांप इनके दुकान में दिखा है। वो भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन या चार सांप दिखे। तो भैया चल के बताइए कहाँ सांप दिखे एक बार आप। तो दोस्तों बने रहो वीडियो के अंदर, चल के देखते हैं सांप कहाँ पे है, कौन सी स्थिति में है, क्योंकि दो या तीन चार पाँच सांप बता रहे हैं ये इनके दुकान में। तो चल के देखते हैं और रेस्क्यू करते हैं। वीडियो में आप तब तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। जी भैया बताएं। इसमें दो है। ड्रम के अंदर क्या और बाकी? बाकी एक इसमें है, लकड़ी के अंदर है। तो दोस्तों एक सांप यहाँ पे जो लकड़ियों का गुट्ठा रखा हुआ है यहाँ पे है, और बाकी दो तीन सांप इस ड्रम के अंदर बता रहे हैं। तो ये ड्रम है, देखिए इसके अंदर पानी भरा हुआ है और इसी ड्रम के अंदर इस पानी में कहीं सांप है। तो दोस्तों वीडियो बने रहिए, कोई सर क्या एक्शन लेने वाले हैं, कैसे रेस्क्यू करने वाले हैं, आप लोग देखते रहिए। है कुछ भाई? तो दोस्तों यहाँ पे ये जो बड़ा सा ड्रम दिख रहा है इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर मोहित सर ने स्टिक से चेक किया तो दो सांप या एक सांप इसमें सांप जैसा फील हुआ है। रेस्क्यू करिए बचा के सेफ्टी के साथ। ये देखिए दोस्तों काफी बिग साइज का इस ड्रम के अंदर स्नेक है, बचा के इसको निकालते हैं। बाकी और भी जो है उसको नहीं, वहाँ पे कील है, साइड से कील है, कील है वहाँ, साइड से निकालिए उसको सेफ्टी के साथ। देखिएगा कैसे करेंगे, हेड पकड़ेंगे बचा के। तो दोस्तों भागने में बहुत ज्यादा माहिर सांप होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं किस तरीके से भाग रहा है। सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी, हाँ उस हाथ से। तो दोस्तों फाइनली सांप का हेड पकड़ लिया गया, सक्सेसफुली इस सांप का रेस्क्यू आसानी से कर लिया गया। आसान तो नहीं था बट कर लिया गया। हम हाँ सर, तो चलिए इस सांप के बारे में यही इन्फॉर्मेशन देके बोरे के अंदर पैक कर लीजिए, फिर इसको ले चल के जंगल में छोड़ा जाएगा। देखिए दोस्तों ये जो सांप होता है इसे ही भारतीय अजगर के नाम से अपने यहाँ लोग जानते हैं, और ये भारत का काफी ज्यादा मतलब भारी भरकम सांप और बहुत ज्यादा ताकतवर सांपों में से एक माना जाता है। ये एक सांप जो है इस तरीके से विषहीन होता है, मतलब बिना जहर वाला, इसके अंदर कोई भी किसी प्रकार का जहर नहीं पाया जाता। लेकिन ये अपना मशहूर है इसलिए कुंडलियों में जकड़ने के लिए, कि अगर इसके कुंडली में अगर कोई जानवर या जीव जंतु या कोई भी हो अगर जकड़ा जाता है तो फिर ये दम घोट के उसकी जान ले लेता है। देख सकते हैं इसका प्रयास बार बार जारी है मेरे हाथों को जकड़ने के लिए, तो मैं इसको बिल्कुल भी जकड़ने नहीं दूंगा। अगर ये जकड़ लेगा तो फिर मेरी दिक्कत बढ़ सकती है मेरे लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। और देख सकते हैं ये पूरा मेरे पैर को पैक कर दिया, मतलब जकड़ लिया है बहुत भयानक तरीके से। तो ये सांप कभी भी दिखता है तो इससे उचित दूरी बनाने का है, क्योंकि ये कभी भी 4 फीट तक का उछाल मार के बाइट करता है। क्या हुआ? ऊपर बैठा हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अभी दे ही रहे मोहित सर, तब तक इन्होंने भाई साहब ने वहाँ पे एक और सांप है ये देखिए यहाँ पे देख लिया, तो चलिए वो भी रेस्क्यू किया जाएगा। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी बाकी रह गई है, वो अभी देंगे आपको। लेकिन वो जो सांप है वहाँ पे वो भाग रहा है अंदर की तरफ, तो उसको भागने नहीं देना, जल्दी से इस सांप को पैक कर देते हैं। और देख सकते हैं किस तरीके से मोहित सर का पैर को ब्लॉक कर दिया है, तो चलो इसको पैक करते जल्दी से मोहित सर, फिर उसको पकड़ते हैं, भाग जाएगा नीचे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, पूरी लकड़ियों को हटाना पड़ेगा। जल्दी पैक कराइए। तो फाइनली एक सांप को आसानी पूर्वक इस बैग के अंदर पैक कर दिया गया। तुरंत के तुरंत मैं चलता हूँ आपको लेकर के यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो दूसरा सांप है वो उतर रहा है किस तरीके। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सांप है वो किस तरीके से भाग रहा है, तो बने रहिए वीडियो के अंदर। मोहित सर कैसे रेस्क्यू करेंगे? आगे हेड है, देखिए सामने हेड है, पीछे से ही, बस 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 आ जाइए। तो फाइनली दूसरा जो सांप था वो भागने की कोशिश लगातार कर रहा था, तो इसको भी कैसे भी करके मोहित सर ने पकड़ लिया, आप देख सकते हैं। मोहित सर उसका हेड इधर ही है, मैं कचअप कर रहा हूं। बी सेफ, बी केयरफुल, तरीका। तो चलिए दोस्तों फाइनली दूसरा सांप को भी आसानी पूर्वक मोहित सर ने पकड़ लिया, लेके बाहर चलते हैं और फिर इस सांप को भी पैक करते हैं। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो दोस्तों ये रहा दूसरा सांप, देख सकते हैं हालांकि भी बेबी ही है लेकिन किस तरीके से देखिए जकड़ लिया है। तो दोस्तों दोनों सांपों को रेस्क्यू करके बोरे के अंदर देखिए पैक कर दिया गया। अब जो पानी वाला डिब्बा था बड़ा सा कंटेनर, कंटेनर में बोल रहे थे दो सांप है, तो चेक करते हैं इसमें और है क्या कि नहीं है, है क्या? तो दोस्तों पूरे अच्छे तरीके से चेक कर लिया गया, इसमें नहीं मिला। अब इधर जो बता रहे लोग हैं उसको भी चेक कर। तो दोस्तों जैसा कि इन लोगों ने बताया कि यहाँ पे भी एक सांप छुपा, कल परसों के दिन में देखा इन लोगों ने, तो इन लकड़ियों को हटाया जा रहा है, फिर सांप होगा तो रेस्क्यू किया जाएगा। तो चलिए लकड़ी हटा लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो फाइनली इतनी सारी लकड़ी हटाने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा गैप मिला है, तो मोहित सर वहाँ से देख रहे हैं क्या इसके अंदर है कि नहीं है। वीडियो में आप लोग बने रहिए, अगर होता है तो निकालते हैं आपके सामने और दिखाते हैं।
क्या लगता है मोहित सर, कुछ दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है, बैठा हुआ है। अच्छा जी, देखिए थोड़ा। तो दोस्तों वीडियो मजा रहो, दिखाता हूँ। तो ये देखिए इसके अंदर, वो देखिए बैठा हुआ है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये मैंने जूम किया और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सांप किस तरह से बैठा हुआ है। काफी मोटा है सर ये मोहित सर, बहुत ज्यादा ही मोटा है। तो चलिए दोस्तों पूरे लकड़ियों को हटा के इसको रेस्क्यू करते हैं। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो फाइनली दोस्तों पूरे लकड़ी को हटाने के बाद सांप दिख गया। मोहित सर रेस्क्यू करते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। फाइनली सफलतापूर्वक सांप का हेड पकड़ लिया गया और देखिए कितना ज्यादा ये अपना मुंह को ओपन कर रहा है, खोल रहा है। बहुत ही ज्यादा खतरनाक बाइट करता है। तो दोस्तों थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बच गई थी, क्योंकि ये जो सांप था ऐसे जगह पे था, अगर थोड़ा सा लेट होते तो वो भाग जाता। देख सकते काफी ज्यादा मात्रा है लकड़ियों की, अगर उसको हटाना लगता तो दिन भर हम लोग को इसी में लग जाता। तो इसीलिए इन्फॉर्मेशन अधूरी रहेगी थी। मैं एक चीज आप लोग को बता देना चाहूंगा दोस्तों, ये जो सांप होता है एक पूरी तरीके से विषहीन है, मतलब बिना जहर वाला सांप है। लेकिन ये भारत में, पूरे वर्ल्ड में इसलिए मशहूर है क्योंकि इसका जो कुंडली होता है, ये अपने कुंडली में अगर किसी को जकड़ लेता है, जैसे इंसान, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी ऐसा वन्य जीव या इंसान ही क्यों ना हो, उसको जकड़ लेता है तो दम घोट के मार देता है। दम घोट के मारने के बाद उसको वो निगल जाता है, भोजन कर लेता है उसका। और वीडियो में हम लोग इतना ज्यादा मेहनत करते हैं, आप लोग को ऐसा ऐसा केस दिखाते हैं। तो प्लीज गाइस वीडियो को, मेरे अगर मेरे वीडियो पे पहली बार है, काटने की प्रयास कर रहा बार बार, देख सकते हैं ये कई बार बाइट करने की कोशिश कर रहा है, जरा सा भी इसके नजदीक। हालांकि इसका पकड़े हुए हम, फिर भी काटने का पूरा प्रयास है और ये पूरी तरीके से मुझे जकड़ लिया ऊपर से नीचे तक। चलिए दोस्तों फाइनली मोहित सर के लिए लाइक जरूर करिए। चलिए दोस्तों अब इसे सांप को करते हैं पैक। पैक करने के बाद इसके अनुकूलित वातावरण में छोड़ दिया जाएगा। तो फाइनली तीनों सांपों को पैक कर दिया गया घर के अंदर, इस दुकान के अंदर भैया जी का जहाँ पे था, तीन सांप पकड़ लिया गया है। दादाजी कुछ कहना चाहते हैं? टंकी में दो सांप थे, एक ही पकड़ा गया। अच्छा, और वो जो छोटा वाला पकड़ा गया उसमें नहीं था, वो अभी एक बड़ा वाला है। तो इनके कहने के अकॉर्डिंग एक सांप और मिसिंग है इस रूम के अंदर। इन्होंने चार देखा था बेसिक हिसाब से, तीन बड़े बड़े सांप थे जिसमें से दो पकड़ लिया गया, एक मिसिंग है। चलिए बाबा आप लास्ट बार, और कहाँ हो सकता है भागा होगा संभावना? ड्राम के नीचे उतरा है, उसी के सामने होगा। ड्राम के नीचे अगर उतरा तो हो सकता है उस कॉर्नर वाले, उस कॉर्नर में खोज लीजिए एक बार। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, अभी भी आप कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये ड्रम में दादाजी यहाँ पे ना दो सांप, इस ड्रम में दो सांप इनका कहना का था। और इधर कितना कंजेस्टेड आप देख सकते हैं, तो इधर भी और भी सांप हो सकते हैं। तो अभी थोड़ा बहुत और छानबीन कर लेते हैं, मिलता है तो आपको दिखाते हैं। वीडियो में बने रहिए। दिख गया क्या सर? तो दोस्तों काफी सारे लकड़ियों को हटाने के बाद फाइनली सांप दिख गया एक, और ये चौथा सांप है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों ये है चौथा सांप। चलिए इस पूरी लकड़ियों को हटाने के बाद रेस्क्यू करते हैं। तो दोस्तों फाइनली सारे लकड़ियों को हटाने के बाद ये रहा सांप। देखिए दोस्तों इसको ये पॉलीथीन से फंस गया आई थिंक। चलो दोस्तों फाइनली रेस्क्यू करते हैं, वीडियो बने रहे, बचा के मोहित सर प्लीज। देखिए दोस्तों कितना रिस्क ले रहे हैं मोहित सर, तो आप लोग कभी भी ऐसा कोशिश मत करिएगा करने की। सर ये पूरा फट चुका है इसका, देख रहे हैं मांस। अरे बाप रे कितना कष्ट में है ये। कहाँ फटा है? ये नहीं दिख रहा है, नीचे वाला हिस्सा देखिए पूरा फट चुका है। हाँ दोस्तों देखिए यहाँ पे इसका पूरा एक कट गया है बेचारे का, कट गया है, बहुत तकलीफ तो बहुत तकलीफ में जी रहा है बेचारा सांप। चलिए इसको ये रस्सी को काटेंगे पहले, रस्सी काट और ये देख सकते हैं कितना पुराना सा लग रहा है। ये देखिए इसके ऊपर कितना डस्ट वगैरह है, कई दिन से रह रहा है ये। तो चलिए फाइनली इस सांप को भी निकाल लिया गया, पूरा फटा हुआ। चलिए 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 बाहर ले चलिए, बहुत ज्यादा तकलीफ में दोस्तों, क्योंकि उसका पूरा जो मांस है वो फट गया है, रस्सी से वो बधा गया है। पतला था अब उसको जो रस्सी से बध गया था, और अब जब मोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उसका पूरा मांस फटते जा रहा है। बहुत तकलीफ में बेचारा सांप है। उस रस्सी को काटेंगे, थोड़ा सा दवा वा कुछ करेंगे, वीडियो में आप लोग बने रहिए। देखिए दोस्तों किस तरीके से इस बेचारे सांप को तकलीफ में, ये पूरा इसका बॉडी फट गया है रस्सी से, क्योंकि जैसे जैसे मोटा होता गया है वैसे वैसे इसका बॉडी इसका दुश्मन बनता गया है। चलिए इस रस्सी को काटते हैं और फिर इसको थोड़ा सा दवा करते हैं, फिर इसको जंगल में छोड़ेंगे। देखिए दोस्तों ये सुनने की कोशिश कर रहा है, कुछ तो सुनने की कोशिश कर रहा है अपने जीभ को निकाल करके। चलिए रस्सी को काटते हैं। कैसे जकड़ लिया यार? अरे दादा काटिए आराम से, डरा मत, डरा मत, आराम से काटिए दादा, कि उसको लगे ना बॉडी में, बिल्कुल नहीं लगे, बस रुक जाइए, रुक जाइए आराम से, आराम से। तो दोस्तों फाइनली रस्सी को काट लिया गया, देख सकते हैं कितना ज्यादा खतरनाक इसको दर्द है, पूरा मांस फट चुका है सर इसका, इतने तकलीफ में था ये सांप। अगर नहीं निकाला गया होता तो ये बेचारा तड़प के मर जाता।
ऊपर वाले ने हमें एक फरिश्ता बनकर इस बेजुबान जानवर को बचाने के लिए भेज दिया। तो प्लीज दोस्तों एक लाइक जरूर करिएगा। इसी तरह सांपों को बचाने के लिए आप भी हमें जरूर कॉल करें, किसी भी बेजुबान जानवर को और सांप को बिल्कुल ना मारें। आप स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है तुरंत हमें कॉल करें, हम आकर सांपों को बचा के उसके अनुकूलित वातावरण जाके उसको छोड़ देंगे। चलिए दोस्तों अब चलो इस सांप को भी अपन करते हैं पैक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।